हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगेरी आई होप ऑल ऑल्फिया डूइंग ग्रेट ऑलफिया फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली फाइव इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम दैट इज ए आई एल एल ई टी इन ट्वेंटी डेज फ्रॉम जीरो देखिए इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम हर एक सब्जेक्ट को उठाएंगे हर एक सेक्शन को उठाएंगे एंड आई एम एम टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर लिस्ट ही इतनी छोटी छोटी सी है कि आप बिल्कुल बिल्कुल ट्वेंटी डेज में कंप्लीट सिलेबस हर सब्जेक्ट का करके जा सकते हो मोस्टली विच इज़ अ गुड न्यूज़ राइट right, तो हम सारे ही टॉपिक्स करके जाएं तो बहुत बढ़िया फिर भी इंपॉर्टेंट वाले एक बार बता दूंगी कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है स्टडी मटेरियल आपका क्या रहना चाहिए कैसे प्रैक्टिस करने हैं कैसे इतने कम डेज में आप नोट्स बनाओगे क्या करना है वो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में एंड टू ही एंड आपको डे टू डे टाइम टेबल भी मिलेगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो एग्जाम है वो है ट्वेंटी फोर्थ जून नाइन ए एम से लेकर इलेवन ए एम के बीच में तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको किस टाइम के बीच में करनी है नाइन ए एम से टेन इलेवन एम के बीच में आपको जो मॉक टेस्ट हैं मेरे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे ए आई एल एल ई टी एग्जाम के डब्ल्यू 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 डॉट लॉगिरी डॉट इन पर डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हेड एंड चेक दैट आउट अब यहां पर आपका जो पैटर्न है एग्जाम का यहाँ पे फोर सेक्शन है ठीक है टू हंड्रेड मार्क्स का आपका पे पेपर है मेंटल एबिलिटी फिफ्टी मार्क्स की है नॉलेज एंड करंट अफेयर्स फिफ्टी का है लॉ एप्टीट्यूड फिफ्टी का है जनरल इंग्लिश फिफ्टी का है टोटल टू हंड्रेड मार्क्स का बता है द इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज द बेस्ट पार्ट लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम इज इंग्लिश देखिए नो नेगेटिव मार्किंग मतलब फुल अटैम्प्ट कर आओ बहुत तावर दी है यहाँ पर आपको ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं फीस स्ट्रक्चर जो है आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कितनी फीस है इसकी उसके बाद है इंग्लिश देखिए इंग्लिश के अंदर सैनोनिम इंटोनिम्स देखिए ये लिस्ट वाले आपके टॉपिक्स हैं प्लस यहां पर मैं आपको लिस्ट वाले टॉपिक्स के आगे लिस्ट लिख देती हूँ एल लिख देती हूँ ठीक है तो यहां पर ये लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं अगर आप दे सकते हैं तो हर रोज वन आर निकाल लीजिए ये लिस्ट वाले टॉपिक्स हर टेन ट्वेंटी टर्म्स आप याद कर लीजिए और साथ में लीगल एप्टीट्यूड भी इसमें लिस्ट में इंक्लूड कर लीजिए लीगल टर्म्स जो होती हैं लीगल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की तो बहुत तो ये आपको लिस्ट याद करनी है ठीक है बाकी सब टॉपिक्स आप एक बार पढ़ोगे जैसे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं तो जब आप पढ़ रहे हो तभी तो साथ साथ जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उनके स्पेलिंग्स करके जा सकते हो या फिर आप यूनिवर्सल्स के अंदर करेक्ट स्पेलिंग की थोड़ी सी शीट्स दी हुई हैं जिसके अंदर इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स कवर हो जाते हैं वो भी आप पढ़कर जा सकते हो उसके बाद है ग्रामर देखिए ग्रामर के अंदर आप बेसिक ग्रामर पढ़ के जाएंगे टें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट प्रेपोजिशन एंड आर्टिकल्स भी पढ़कर जा सकते हैं और उसके बाद आपको स्पॉटिंग एरर्स और फिलअप्स प्रैक्टिस करके जाने हैं स्पॉटिंग एयर की लिस्ट भी होती है कि ये कॉमनली एरर्स यू नो एग्जाम में आते हैं वो भी आप याद करनी स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत ही इजी है जो आप करके जा सकते हैं इसके लिए बुक जो है आप एस पी बख्शी के लिए जा सकते हैं यू कैन गो फॉर एस पी बख्शी ठीक है इसके लिए जो बुक है वो आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं ठीक है बट अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आते हैं उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बट अगर आपको बहुत अच्छे से करना है आपको सब्जेक्ट यू नो इंग्लिश अच्छे से करना है तो एस बख्शी की बुक खरीद कर आप उसमें से प्रैक्टिस और उसमें से आप जो रूल्स हैं ग्रामर के वो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं मैं आपको कहूँगी कि एस बख्शी में इन्वेस्ट कर दीजिए उसके बाद है लीगल एप्टीट्यूड लीगल एप्टीट्यूड में लैंडमार्क जजमेंट्स जिसकी मैंने वीडियो भी कर रखी है वो वीडियो देख जाना वो इंपॉर्टेंट है जितनी लैंडमार्क जजमेंट मतलब पिछले कई सालों में सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आई है लैंडमार्क का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स वो डिस्कस करी हुई है उस वीडियो में यूट्यूब पर हुआ है लैंडमार्क जजमेंट लॉगेडी लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा वो नोट्स बना लेना उसमें से आई जाता है उसके बाद आपको लीगल करंट अफेयर्स देखिए अगर आप अभी आपने नोट्स बनाए हैं अपने करंट अफेयर्स से लीगल करंट अफेयर्स क्या है कोई अमेंडमेंट आई है कोई न्यू एक्ट बिल आया है कोई जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट की वो कवर होनी चाहिए मैंने अपने मॉक टेस्ट में बहुत ट्राई किया है कि आपको वो क्वेश्चन कवर करवा दूँ ठीक है तो आप खुद भी करंट अफेयर से कवर करिए एंड लीगल टर्म्स जो है वो आपको कवर करनी है डब्ल्यू डब्ल्यू वहां पर मैंने एक पी शेयर किया हुआ है फॉर फ्री वो आप डाउनलोड करिए एंड वहाँ से आप पढ़िए ठीक है उसके बाद आपके टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है इसके लिए आपको यूनिवर्सल की बुक लेनी है वही सेम बुक जहाँ से मैं आपको इंग्लिश कह रही थी यूनिवर्सल बुक फॉर क्लाट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आती है कोई भी एडिशन मिल जाए हमें चलेगा ठीक है वहाँ से आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक पढ़ना है थ्योरी पढ़नी है और प्लस एम भी लगाने हैं उसके बाद आपका आता है टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ ठीक है इसमें क्रिमिनल लॉ भी हम कर कर ही जाएंगे टू बी ऑन द सेफ साइड क्योंकि बेसिक है हमारा इसमें हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू कवर लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक है यूनिवर्सल्स में वो हम कवर करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे एंड प्लस हमारा एक टॉपिक है लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज़, वो भी हम पूरा का पूरा सॉल्व कर कर जाएंगे याद करके जाएंगे ठीक है ये आपको करना है फॉर योर लीगल एप्टीट्यूड उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके अंदर सीरीज कंप्लीशन कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सीरीज मैंने दोबारा लिखा है लॉजिकल वन डायग्राम्स डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये आपको करके जाना है इसके लिए प्लीज वोबल एंड नॉन वोबल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल की जो बुक आती है उसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उसमें आप पढ़ने लग जाइए तो वाह मतलब क्या पेपर होगा तुम लोगों का बहुत ही बढ़िया पेपर होगा तो ये बुक से आपको पढ़ना है ये यूनिवर्सल में से नहीं पढ़ना है शॉर्टकट नहीं मारना है हमें सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करने हैं आप अरिहंत की बुक के लिए भी जा सकते हो अरिहंत की एक मोटी सी रीजनिंग की बुक आती है दोनों में से कोई भी चूज कर लो बट बुक प्लीज खरीद लेना उसके बाद है जनरल नॉलेज देखो अगर तुमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े अगर तो पढ़े हैं तो नोट्स में से पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी भी तुम थोड़े से जैसे दो से तीन महीने के तो कवर करके जा सकते हो ना अप्रैल मे के प्रतियोगिता दर्पण लेना जीके के टूडे कर लेना कुछ भी कर लेना साथ साथ में थोड़ा सा एजोगिरी फॉलो कर लेना जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स का वहाँ पे मैं डेली द हिंदू का एनालिसिस करी अगर वो फॉलो कर लो तो बहुत बढ़िया बात है बाकी मैंने आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भर भर के कवर करवाने की कोशिश करी है इन माई मॉक टेस्ट सीरीज प्लस वहां पे आपको मिल रहे हैं फोर जी के करंट अफेयर्स के टेस्ट जो कि यू नो आपकी और प्रैक्टिस करवा देंगे करंट अफेयर्स की तो वहाँ से तो वो वाले तो सारे आप रट कर जाइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हाई चांसेस हैं कि रिपीट हो जाए एग्जाम में ठीक है उसके बाद आपका है स्टैटिक जीके तो स्टैटिक जीके कैसे करना है ये सारा आपका स्टैटिक जीके जिसको हम जनरल स्टडीज भी बोलते हैं या आपको यूनिवर्सल हाँ वो लीगल वाली बुक में से ही वहां से आपको एमसीक्यूज़ पढ़कर जाने हैं इन सभी सब आ, सभी टॉपिक्स के ठीक है 300 टू 400 हंड्रेड एम सी किसी सब्जेक्ट के कि 250 फिफ्टी टू थ्री है हर रोज आपको जो मैंने टाइम टेबल में अगर कहा है कि इन थ्री डेज में आपको हिस्ट्री कवर करनी है तो आप लगा लीजिए अगर 400 हंड्रेड क्वेश्चन है हिस्ट्री के तो फर्स्ट एंड सेकेंड डे आप 200 हंड्रेड टू हंड्रेड क्वेश्चन स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड थर्ड डे अगर तो कुछ बच गया वो कवर करेंगे एंड फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे राइट right? अब इनको याद कैसे करना है एम क्यूज को जिसका तो आंसर आपको पता है कि क्यों है बहुत बढ़िया बात है अगर नहीं पता तो गूगल करके समझ कर याद करेंगे एंड थोड़ा सा लिख भी सकते हो आप अपनी नोटबुक में या बुक में वहीं पर दिस इज हाउ यू गन टू कवर योर स्ट्रेटेजी के टॉपिक्स एंड अगेन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में भी मिल जाएंगे उसके बाद है हमारा शेड्यूल देखिए यहाँ पर आपको सिटिंग देनी है अच्छी खासी फिफ्टीन सिक्सटीन आवर्स की तो ये आपका शेड्यूल है मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है मॉक टेस्ट के अंदर स्टार्टिंग में मार्क्स कम भी आएंगे तो डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको मॉक टेस्ट जो है वो आपको बताएगा मान लो आपके स्टार्टिंग में बहुत कम आ रहे हैं तो हाँ ठीक है ना अभी तो तैयारी नहीं हुई है मॉक टेस्ट हम क्यों दे रहे हैं ताकि वो आपको एक डायरेक्शन दे कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो डायरेक्शन हमें मिलना बहुत जरूरी है हर थ्री डेज में हम वन मॉक टेस्ट अगर कर लेंगे एक तो हमें अटेम्प्ट करना आ जाएगा एक हमारी तैयारी बिल्कुल लाइन पर रहेगी दैट इज दिस टू द टू द शेड्यूल राइट मॉक टेस्ट अगर आपको खरीदना आप डब्ल्यू 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 डॉट लॉगिरी डॉट इन पर जा सकते हो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दिस इज द होल शेड्यूल देखिए आपका नाइनटीन जून तक नाइनटीन ट्वेंटी तक सब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप सभी का रिविजन करिए ठीक है रिवाइज करिए अच्छे से मॉक टेस्ट जो बचे हुए हैं वो अटैम्प्ट करिए एंड आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा होगा फॉर श्योर ठीक है अगर कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ऑल्सो गाइज अगर आप यहाँ पे वन आर एक्स्ट्रा और दे सकते हैं और जो लिस्ट वाले टाइप के uh, हैं वो ई हो गए आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया ये लीगल टर्म्स हो गए ये आप याद कर सकते हैं तो बहुत ही बहुत ही बढ़िया हो जाएगा राइट अगर कोई भी और डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हाउ टू अटेम्प्ट हाउ टू एनालाइज वाली वीडियोज लेकर आऊँ देन कॉमेंट डाउन बिलो दैट्स इट लॉगरी साइनिंग ऑफ आई सी यू सुपर सून बाय And take care